सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रास अलवर्ल्ड। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम फिर से बात करने वाले WWE जो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जो कि करंटली अभी जॉन मॉक्सली उन्होंने किया रोमन रिंग्स को सपोर्ट। इस हफ्ते रॉ को कितनी व्यवस्थित मिली है, रिकेश एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर जो हमें न्यू टैग टीम देखने को मिलने वाला है, आखिर उनका नाम क्या होने वाला है। तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो गाइज इस हफ्ते का रॉ तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन व्यूअरशिप की बात करें तो फिर से घट चुकी है। तो गाइज पिछले हफ्ते जो रॉ को व्यूअरशिप मिली थी वो थी 1.842 मिलियंस की, लेकिन बात करें इस हफ्ते की तो उन्हें व्यूअरशिप मिली है 1.817 मिलियंस की, जो कि पिछले हफ्ते से लगभग 25,000 व्यूअरशिप कम भी है। तो गाइज WWE का रॉ का एपिसोड तो पहले से अच्छा ही होता जा रहा है, लेकिन जो व्यूअरशिप है वो कम होती ही जा ही रही है। ये अब हर हफ्ते के बाद हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रॉ अपना लोएस्ट व्यूअरशिप का रिकॉर्ड जल्दी ही तोड़ भी देगी। सो गाइज बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। तो रिकोशे एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर का हमें न्यू टैग टीम देखने को मिल रहा है रॉ के अंदर, और हम पिछले कुछ हफ्ते देख रहे हो दोनों एक साथ टैग टीम में ही काम कर रहे हैं। और गाइज कोई भी सुपरस्टार टीम अगर टैग टीम रेसल करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ नाम तो होता ही होता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अभी उनका जो न्यू नेम होने वाला है जो कि रिकोशे पर्सनल अलेक्जेंडर का टीम का नाम होगा, वो होने वाला है टू फ्लाई। तो गाइज दोनों एक हाई फ्लायर सुपरस्टार है और उनके हिसाब से ये नाम भी सही रहेगा, लेकिन गाइज अभी ये बात का ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ अभी ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये बात जल्दी WWE कंफर्म भी कर देगी क्योंकि नाम काफ़ी अच्छा भी है। सो गाइज बात करते हैं अपने फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइज जैसा कि रोमन रिंग ने अपने आप को पुल आउट कर दिया था रेसलमेनिया 36 के मैच से, और वहाँ पर वो रेसल ही नहीं कर पाए थे गोल्डबर्ग के साथ, उसके बाद काफ़ी सारे WWE के फैंस ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया रोमन रिंग्स को, और गाइज काफ़ी सारे रेसलर्स ने भी क्रिटिसाइज किया था रोमन रिंग को। लेकिन गाइज जॉन मॉक्सली जो कि करंटली अभी AEW वर्ल्ड हेवी चैंपियन और वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी है रोमन रिंग के, वो लोग पहले शील्ड में भी एक साथ भी काम किया करते थे जब जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस जब थे वो WWE के अंदर, लेकिन गाइज अभी वो AEW के अंदर भी है और उन्होंने सपोर्ट भी किया रोमन रिंग की इस काम को, और उन्होंने कहा अभी जिस हाल चल रही है वर्ल्ड के अंदर अभी जो सुपरस्टार को जैसा सही लगता है ऐसा ही करे, और रोमन रिंग ने जो डिसीजन लिया वो काफ़ी अच्छा डिसीजन भी था, मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। सो गाइज यही कहना था जॉन मॉक्सली का रोमन रिंग्स को लेके भी। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, सुना होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करते हुए जाइएगा।